रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सदियों से हवा में तैर रहा है ये रहस्यमयी मंदिर, आज भी हवा में जानिए सहस्य समेटे हुई दुनिया में आज भी कई रहस्य दबे हुए हैं, जाए शायद करता आए के एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दुनिया के वह रहस्यमयी स्थान जिनका आज तक आया ही पता नहीं है, आज भी बुलढाणा जिले के लाइनार सराइवर में बहने वाला वह रहस्यमयी झरना विज्ञान का एक चुनौती देता है। लगातार जमीन पर बहने वाले उस झरने का कायई पता नहीं है, वैसे ही हिंदुस्तान में एक ऐसा मंदिर है जाए हवा झूला रहा है। मंदिर का आधार जिस खम्बे पर है वह सदियों से लेकर आज भी हवा में है, जिसे देख हर किसी का लगता है कि यह वहम है या फिर आंखाएं का धायका है, लेकिन ये सच है कि वे हवा आए झूल रहा है। चलिए आज हमारी टीम VCU जिस अद्भुत मंदिर का सहस्य दुनिया सामने लाने जा रही है। कहते हैं कि ये मंदिर आज भी भगवान शिव के भक्ति में लिंधाए कर नृत्य कर रहा है। ताय क्या वाकई में यह मंदिर सदियों से लेकर आज भी भगवान शिव के इशाराएं पर झूम रहा है? क्या वे लेपाक्षी मंदिर जाए देश के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले नृत्य करता है, जिसके चलते पूरे दक्षिण भारत में इसे बड़ी मान्यता दी जाती है, या फिर सदियाएं पुरानी उन पौराणिक कहानियों से इस मंदिर का काई कनेक्शन है? क्या इनकी गुरुत्वाकर्षण के चलते हवा में चंद सेकंद के लिए एक कागज का टुकड़ा टिक नहीं सकता? ताय क्या भारी भरकम लेपाक्षी मंदिर कैसे हवा में नृत्य कर सकता है? आखिर कैसे काई इमारत हवा में टिक सकती है? इन सभी सवाल आए के जवाब हासिल करने के लिए हमारी टीम आंध्रा के उस काइन पहुंची, जहां दावा किया जाता है कि आज भी एक मंदिर है जाए सदियों से हवा में झूला रहा है, वह शिव जी इशारे पर झूमता है। जब हमारा टीम ने पहली बार आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में कदम रखा, ताए मंदिर का नाम लेते ही उसके चमत्कार काए लेकर चर्चा होने लगी थी, लेकिन मंदिर में पहुंचते ही ये ऐसे लगा कि मंदिर पर बनी शिल्पकला अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं, जाए कुछ बाहलना चाहती है। मंदिर के इस चमत्कार से पहले जानकारी हासिल करना जरूरी था, जिसके हमारी टीम ने वही के निवासा रामन्ना रेड्डी से इसके चमत्कार काए लेकर बातचीत की थी। इस दौरान पता चला कि करीब 5000 साल पुराना यह मंदिर, जिसका निर्माण विजयनगर के राजा महाराजा आय ने किया था, जिसका जिक्र रामायण में कई बार किया है, क्या इनकी वे उस पर्वत बनाया गया है जहां कभी भगवान श्री राम पहुंचे थे। हमारी खाज में पता चला कि जब रावण सीता का अपहरण कर कुछ समय बाद जब श्रीलंका के लिए रवाना हुआ, ताय पक्षी राज जटायु रावण काय राय एक नेकी काय शिष्य थी, तब पक्षी राज जटायु ने इसी स्थान पर ऐसी पर्वत रावण काय राय एक रखा था, तब इन दायनायक के बीच युद्ध भी हुआ था। इसी पर्वत पर रावण ने जटायु पक्षी पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया था, जिसके निशान इस मंदिर में आज मौजूद हैं। यहाँ मौजूद पैराएं के निशान आज भी इस बात गवाही देते हैं कि कभी भगवान श्री राम भी यहाँ पहुँचे थे। इन पैराएं काएं लेकर कई मान्यताएं हैं, कभी इसे मां दुर्गा का पैर कहते हैं, ताए कभी प्रभु श्री राम की निशानी कहा जाता है, वही इतिहास के जानकार इसे आज भी सीता माता की निशानी मानते हैं। उनका कहना है जटायु और रावण बीच हुए युद्ध के दौरान सीता माता ने यहाँ कदम रखे थे, जिसके निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। ये भी माना जाता है यहाँ मौजूद पानी आज भी जटायु जीवित रखने के लिए बहता रहता है, ताकि प्रभु श्री राम का रावण के हरकताएं के बारे पता चल सके। लेकिन कहानी सिर्फ पैराएं पर ही खत्म नहीं हुई थी, बताया जाता है इस कहानी की शुरुआत यहीं से हुई थी। लेपाक्षी मंदिर में मौजूद शिवलिंग जिसे हनुमान लिंगेश्वर कहा जाता है, कहते इस शिवलिंग स्थापना पहले श्री राम ने की थी, जिसके बाद दाए बारह वायु पुत्र हनुमान ने यहां भगवान शिव की स्थापना की थी। लेकिन अब सवाल है कि आखिर लेपाक्षी मंदिर कैसे हवा में तैर रहा है? आखिर क्या है लेपाक्षी मंदिर का वहां में नृत्य का रहस्य, जिसके एक खम्बरा कई टन बुझ अपने ऊपर लिए हवा में तैर रहा है? आखिर हवा में तैर रहे खम्बे का भगवान शिव से क्या रिश्ता है? इसकी जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने इसके रहस्य काय लेकर जानकारी हासिल करने निकली थी। इस दौरान एक नया सवाल पैदा हो गया, वही ये था कि आखिर यहाँ एक नृत्य मंडप क्या बनाया गया? ताय क्या इस नृत्य मंडप का भी भगवान शिव से काय ई रिश्ता था? आखिर क्या है इसका रहस्य? मंदिर का इंता वाय झाने के बाद भी बथराए से बना विशाल खम्ब क्या जमीन पर नहीं आता? लाख काय शिशाएं के बावजूद भी किसी के पास इस खम्बे काय लेकर काय जवाब नहीं था। हर कायई इस खम्बे काय पूजने लगता था, लेकिन इसके हवा झूलने नृत्य करने काय लेकर काय ये नहीं बता पाया। ऐसे में एक नया सवाल खड़ा भाईता है, वाई ये क्या वाई इस मंदिर का पौराणिक कहानियां से काय ई रिश्ता है, या फिर काय चमत्कार है, या फिर जटायु शान से आज भी चल रही हैं?
जिसके चलते मंदिर में उसके जीवित होने का दावा किया जाता है। आखिर क्या है झूलते खंभे का रहस्य?